खोल खोल ये क्या कर रही हो तुम? खोल खोल मारो इसको, आज नहीं छोड़ेंगे। हाँ नहीं छोड़ेंगे। चलो हथियार लेकर आते हैं। आप वही अजीब टाइप के इंसान है, नहीं आपकी जान बचा, आप मुझे पागल कह रहे हैं। अगर आप ना आते ना, मैं कप्तान को बेवकूफ बना के चली गई होती, जिसे मेहंदी लगा के दी। तो तुम जानबूझकर भागी थी? देखिए, मैंने आपको बताने की कोशिश की थी और मैंने आपसे पूछा भी था कि आपका दिल कमजोर तो नहीं है, आप झटका सहन कर पाएंगे कि नहीं, मैंने बता दो। लड़की को हमारे हवाले कर दो, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। हाँ भाई साहब, आप लेके जाओ। जा। अरे, अरे, अगल बगल हो गई हो क्या? क्यों? अभी तुमने ही तो कहा था कि तुम मेरी वजह से फंस गई हो और अकेली होती तो इन लोगों को बेवकूफ बना के भाग जाती, तो कर लो। खड़ूस हो ये पहले से पता था, पर पागल हुई अभी अभी पता चला। जब मदद करनी चाहिए। क्या क्या? I'm sorry, मैंने सुना नहीं क्योंकि मेरे कान थोड़े कमजोर हो गए, मैं बुजुर्ग हूं ना। नहीं, तुम कुछ कह रही थी कि मुझे कुछ करना चाहिए। मदद करनी चाहिए, यही सुनना चाहते हो ना? कुछ करना चाहिए, करो। अकेले कुछ नहीं करूंगा मैं। जो करेंगे साथ करेंगे। खुद इनका दिल तोड़ा, पता नहीं मेरा क्या हाल करेंगे। दादी आप पानी पी लीजिए, चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। दुर्गा जी भूलिए मत कि आप गुड्डन के बारे में बात कर रही हैं। हाँ, अगर गुड्डन की जगह कोई और लड़की होती तो ये सब होता ही नहीं। गुड्डन के कारनामों की वजह से हमारा पूरा परिवार बदनाम हो गया है। अरे कहीं भी जाओ, मार्केट, बस स्टैंड, मंदिर, लोग पीठ पीछे हंसते हैं क्योंकि हम गुड्डन उर्फ मिस तुमसे ना हो पाएगा का परिवार है। आप इतने विश्वास से कह रही थी ना कि अक्षय जी गुड्डन को ढूंढ लाएंगे, लेकिन मुझे तो डर है कि कहीं गुड्डन के चक्कर में वो खुद किसी मुसीबत में ना फंस जाए।
बस एजे और हमारी होने वाली सास के बारे में एक शब्द भी नहीं सुनूंगी मैं। बाकी लोग चाहे कुछ भी कहें, पर हम ये नहीं मान सकते कि हमारी होने वाली सास ऐसी मेहंदी की रस्म छोड़ के भाग जाएगी। मैंने खुद आपकी बेटी को देखा मेन गेट से चोरी छुपे बाहर जाते हुए। इसे क्या हो गया? अभी थोड़ी देर पहले तक तो इतना बुरा भला सुना रही थी। सब जाहा। सबर कीजिए, एजे गए हैं ना ढूंढने, अच्छी खबर लेकर ही आएंगे। मान गए दुर्गा जी के दिमाग को, ये जो नाटक कर रही है ना, ये इसलिए कर रही है ताकि सबको ये लगे कि ये गुड्डन के साइड है, आचार्य गुड्डन। दुर्गा जी बिल्कुल सही कह रही है, हमारी होने वाली सास के खिलाफ हम कुछ भी नहीं सुनेंगे और आपको कोई हक नहीं बनता है बोलने का। आप लोग थोड़ा सब्र रखिए, शांति रखिए। हाँ। आ जाएंगे वो लोग, कहीं सच में तो नहीं आ जाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं था। देखिए हमें हमारी गलती स्वीकार है, हमने जो किया बहुत गलत किया, और हम भागते नहीं तो क्या करते, डर गए थे हम। और हमने आपसे कितनी बार बोला ना कि हमसे शादी नहीं होगी, अब तो अपनी शादी के अलावा और कुछ दिख ही नहीं रहा था आपको, तो भागते नहीं तो क्या करते। आप अपनी जगह ठीक है, आपका नाराज होना बिल्कुल जायज है, तो आप बताइए हमें क्या करना होगा, हमें सजा मंजूर है। इस चिट्ठी के मिलने के 15 दिन के अंदर अंदर तुम्हें मेरी इस मांग को पूरा करना ही होगा अक्षर। ये शादी किसी भी कीमत पर टल नहीं सकती। कल सुबह का सूरज निकलना भूल सकता है, नदियां अपनी दिशाएं बदल सकती हैं, ये धरती कल घूमना बंद कर सकती है, लेकिन मेरी शादी और उससे जुड़ी हुई हर रस्म पूरी होगी, आज की मेहंदी भी। सजावट क्यों है घर पे? निकलवाओ ये सब, यहाँ कुछ ऐसा नहीं बचा जिसकी खुशियां मनाई जाएं, क्योंकि ना तो इस घर में अब शादी होगी, ना मेहंदी, और ना ही तुम तीनों की सास आएगी। मेहंदी भी होगी और शादी भी। आपने कहा था कि गुड्डन से हमेशा के लिए पीछा छूट जाएगा, तो ये दीदी एजे तो इसको वापस ले आए, अब क्या होगा? बेटी तुम ठीक तो हो ना? हम सब कितना परेशान हो गए थे। बिना बताए कहाँ चली गई थी तू? ये भी कोई तरीका होता है? बेटा तू ठीक है ना? ये सब बातें बाद में हो जाएंगी माँ, पहले मेहंदी की रस्म पूरी कर लेते। मुहूर्त में भी वक्त बाकी है। अक्षत बेटा, गुड्डन सबके सवालों से घबरा गई है, जा तू जाके मेहंदी लेके आ और मेहंदी लगा के रस्म पूरी कर ले। ये शादी किसी भी कीमत पर टल नहीं सकती। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणेश ध्वजा मंगलम।
करेंगे हाँ। गुड्डन से मेरी पत्नी होना ना हो पाएगा क्योंकि वो उस लायक नहीं है। अक्षत जी, छुट्टी के पापा, आप कुछ बोलिए ना। आप तो मेरी बेटी से शादी करने वाले थे। तो ये सब क्या कर रहे हैं आप? देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। आप इस तरह मेरी बेटी के साथ अन्याय मत कीजिए। अगर कोई भी बात है तो हम बैठकर सुलझा सकते हैं, लेकिन लेकिन मेरी गुड्डन के साथ इस तरह अन्याय मत कीजिए। उसे मत ठुकराइए, उसे रिश्ता मत तोड़िए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। अभी कुछ घंटों पहले तक मैं गुड्डन से शादी करने वाला था, पर अब नहीं। ये बात आप लोग जितना जल्दी समझ जाए उतना ही बेहतर होगा। मैंने मेहंदी सही हाथों में लगाई है और कल शादी भी उसी से होगी मेरी, जो इस घर को, इस परिवार को संभालने के लायक है। अब इस बारे में और कोई बात करना मैं पसंद नहीं करूंगा। इतने बड़े घर से रिश्ता आया, मैंने सोचा था कि पहली बार कुछ अच्छा हो रहा है। पहली बार ऐसा लग रहा था कि तुझसे कुछ हो पाएगा। गुड्डन से कोई अच्छा काम हो गया तो मैडम का रिकॉर्ड खराब हो जाएगा ना। अब ऐसे भूत बनी क्या खड़ी है? बोलना, ऐसा क्या हुआ? अबे 2 घंटे पहले यहाँ तेरी मेहंदी चल रही थी जिसके बीच से तू अचानक गायब हो गए, और अब जब तू वापस आई है तो अक्षत जी ने सबके सामने तुझसे रिश्ता तोड़ दिया और तूने कुछ नहीं कहा। सच सच बता, तूने क्या किया है? मैं ये मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि तूने कुछ किया नहीं और अपने आप रिश्ता टूट गया। अब इसमें मानने ना मानने वाली क्या बात है? जो कुछ भी है सबके सामने है। नहीं नहीं, कोई तो बात है जो गुड्डन हमसे छुपा रही है। गुड्डन, तेरी शादी टूट गई है। कोई अंदाजा है तुझे कि कितनी बड़ी बात है ये? जा, जाके पूछ अक्षत जी से कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। बिना कुछ कहे वो ऐसे कैसे रिश्ता तोड़ सकते हैं? हक बनता है तेरा,
कारण जानने का। अब जा। देखिए ये हमारी बेटी की जिंदगी और हमारे परिवार की इज्जत का सवाल है, और अक्षत जी बिना कारण बताए इस तरह हमसे रिश्ता नहीं तोड़ सकते, उन्हें जवाब देना होगा। वैसे भी गुड्डन का पूरा हक है ये जानने का। एजे ने कहा ना अभी अभी दुर्गा बहू, भूषण जी ठीक कह रहे हैं। गुड्डन बेटा अक्षत के पास जा और जाकर पूछ। खड़ी क्या है, जा। सबको लगता है कि मैं तुम्हारे साथ नाइंसाफी कर रहा हूं, मेरे बारे में दुनिया वाले क्या सोचते हैं मुझे कभी फर्क नहीं पड़ा, पर तुम तो सच्चाई जानती थी ना। अब ना ही तुम्हारी मेरे साथ शादी होगी और ना ही तुम्हें मेरे नाम की मेहंदी लगानी पड़ेगी। खुशियां मनाओ, तुम जो चाहती थी बिल्कुल वैसा ही। मुझसे पीछा छुड़ाने की रट लगा के रखी थी ना तुमने, यही चाहती थी ना तुम कि तुम्हारी शादी मेरे साथ ना हो। तो अब जब ऐसा हो रहा है तो तुम खुश क्यों नहीं हो? मैं बताऊं क्यों? क्योंकि तुम कभी भी आगे का नहीं सोचती। तुम्हें यह शादी नहीं करनी थी तो तुम मेहंदी की रस्म से भाग गई। एक बार ये नहीं सोचा कि वापस आऊंगी तो अपने परिवार को क्या जवाब दूंगी, कि तुम्हारे पिता पर क्या बीतेगी जब दुनिया वाले तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बकवास करेंगे, कि कुछ जिम्मेदारियां तुम्हारी भी हैं गुड्डन जिनसे तुम भाग नहीं सकती। हर समस्या का हल भागना नहीं होता है। खैर मैं तुम्हें यह सब क्यों समझा रहा हूं, तुम्हारी जिंदगी है जैसे चाहे जियो, पर हमारे बीच में जो कुछ भी अगर था तो आज मैं उसे खत्म करता हूं। नहीं, शायद एक चीज अभी भी बाकी है जिसने तुम्हें मुझसे बांध के रखा हुआ है। ये अग्रीमेंट याद है तुम्हें? तुम्हारी आने वाली जिंदगी बदल सकता है ये कागज। क्यों समझ लो कि ये भगवान है तुम्हारे लिए। इनको साक्षी मानकर वादा कर अपनी बात से पीछे नहीं हटूं। इसी पर साइन करके तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुमसे जो मांगूंगा वो तुम मुझे दोगी। आज मैं तुम्हें इस वादे से भी आजाद करता हूं। आजाद हो गुड्डन,